अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। गाइस तो जैसा कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि आज क्या सीन है। सीन कुछ ये है कि आप देख सकते हैं कि इंक्यूबेटर नंबर वन, इंक्यूबेटर नंबर टू, इन दोनों को मैंने ऑन किया हुआ है। बस इनकी मैंने हीटिंग चेक करनी है कि क्या डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में। बिकॉज़ जो ये बड़ा इंक्यूबेटर है ना हमारा, इसमें जो इशू आ रहा है ना वो यही है कि ये इसकी जो हीटिंग सिस्टम है ना, ये कोई गड़बड़ है। मतलब ये प्रॉपर हीटिंग नहीं कर रहा, 38 टेम्परेचर नहीं दे रहा हमें। लिखा होता है लेकिन ये पूरा नहीं दे रहा। और ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे ट्रस्ट है मुझे, ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और हर दफ़ा इसने मुझे रिज़ल्ट दिया, कभी निराशा नहीं किया इसने। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मुझे उम्मीद है कि ये इससे मुझे ना रिज़ल्ट आएगा। और आप देख सकते हैं कि हमारी अंडों की टोकरी मज़ीद फुल हो गई है। और क्योंकि ये नई चीज़ है मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ हैं जो ये मैं ज़ाया नहीं करना चाहता, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा इसी में ही ना एग्ज़ अपने हैच कराऊँ। इसको मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगा, ज़रूर यूज़ करूँगा, लेकिन जब मैं मेक श्योर हो जाऊँ बिल्कुल 100% के ये रिज़ल्ट देगा। तो अभी मैं इसकी सेटिंग वगैरह सारी करूँगा और इसमें एग्स वगैरह सारे सेट करके आपको दिखाता हूँ और इसको लगा देंगे हम। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 21-22 डेज़ के बाद हमें चिक्स ज़रूर मिलेंगे और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो लेट्स सी। ये है, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आई होप कि मैं इसे सेट कर लूँगा जल्दी में ही। और फिर हम इसमें एग प्लेस करेंगे। नहीं हो रहा, फिक्स कर दिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तब मैं चेक करता हूँ कि ये ठीक है, इनक्यूबेटर को ऑन कर लूँ। ये देखो काउंट डाउन हो रहा है, 7, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, वो टर्नल घूम रहा है लेकिन ये मैंने उल्टा लगा दिया। तो मैं सीधा करके लगाता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। कोई नहीं, हो जाता गलती। बंद कर लूँ इसे। हाँ बंद कर दिया जी, बंद कर दिया। ये चीज अच्छा, तो इसको आना चाहिए इधर। हाँ जी, तो मैंने सेट कर दिया ये टर्नर, तो ये चेक करना चाहिए, ये टर्न हो रहा है ना माशाल्लाह से। अभी उसी तरफ जाओ। नो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्लोली स्लोली टर्न हो रहा है एज यू कैन सी। चले जी, ये तो हो गया सेट। तो अब मैं जो एग है ना वो प्लेस करता हूँ और फिर देखते हैं कि जी नेक्स्ट क्या करना है हमें। और ये जी माशाल्लाह से 1, ये हमारा एग है जी पॉलिश पॉलिश
इस दफ़ा जो ज़्यादा आगे लगाने हैं वो सारे मोस्टली पॉलिश, ये थोड़ा डाउटफुल है अपनी पॉलिश कहें या हैवी पॉलिश कहें, पॉलिश पॉलिश अल्लाह करे इस दफ़ा जितने भी आए हैं सारे पॉलिश के चिक्स हों इंशाल्लाह, उम्मीद है हैवी के भी एग्ज हैं लेकिन थोड़े कम है इस दफ़ा क्योंकि दो हैच तो हमने ले लिए ना हैवी से। तो अभी मैं सोच रहा था कि पॉलिश के होने चाहिए चिक्स, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एग्स तो हमें लगा रहे हैं तो पहले मैंने ये बंद कर लूँ तो फिर ना कितने स्लॉट बाकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन एग्स थोड़े ज़्यादा हैं हमारे पास, चले नो प्रॉब्लम। कितने रह गए जी, 2 4 और एग्स चाहिए, अल्लाह करे ये सारे ही फर्टाइल हों जो जो मैं लगा रहा हूँ। 2 more 1 more लगा दिए हैं। अब ये जो है इतना बड़ा एग है, ये मेरे ख्याल है ये ये हैवी को चेन का है, यस आई एम श्योर ये उसकी शक्ल है। तो हम इधर लगा देते हैं जनाब छोटा एग, तो इसका मतलब है कि एक ही हमारे पास बच्चा है तो और जगह नहीं है हमारे पास, तो इसको कहाँ फिट करें, तो इसको हम रहने देते हैं। तो अभी मैं इसको बंद करके तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ओ यस, पानी भी डालना है। हाँ जी गाइस, तो मैंने कवर लगा दिया है, अब इसमें ला करके हम इसको ऑन करते हैं। हियर वी गो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके ओके ओके, अब इसको प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए जब टर्निंग भी स्टार्ट हो गई है साथ ही, अब बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है एग उसने। आई होप के ये इंशाल्लाह ये सारे हैच करेंगे, रियली एक्साइटेड। पर मेरा बहुत दिल था इस दफ़ा के ये वाली जो है ना मशीन हम ट्राई करें, लेकिन बस क्या किया जा सकता है। चलें नेक्स्ट टाइम इसी में हम ट्राई करेंगे। इसमें ये है ना फ़ायदा, ये हम बैटरी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये DC12V, और इसमें वो ऑप्शन नहीं है। अभी ऑन हो गया है तो इंशाल्लाह आई होप के 21-22 डेज के बाद हमें चिक्स ही चिक्स मिलेंगे। तो जी गाइस, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, और बस दुआ कीजिएगा कि जितने एग्स मैंने इधर लगा दिए ना सब में से चिक्स आ जाएं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। पानी रह गया बस, बाकी तो सारा काम ठीक है। यहाँ पे हमने जनाब पानी डाला है।